ये रिश्ता क्या कहलाता है। ओ नाइस आरू, ये तो नायरा की ड्रेस है। नायरा माँ की ये ड्रेस मेरी फेवरेट है, मैं तिलक में कल यही पहनूंगी। पर ये थोड़ी ओल्ड फैशन्ड है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे आजकल के फैशन के हिसाब से कर दूँ, इसका शोल्डर ऑल्टर कर दूँ या फिर नेक ऑल्टर कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना अक्षु? नहीं, ये मेरी मम्मा की ड्रेस है, इसे ऐसे ही पहनेगी अच्छी लगेगी, इसे ऑल्टर करके चेंज करके खराब मत कर। हाँ रूप, अक्षु सही कह रही है। अक्षु, तुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं हर चीज खराब करती हूँ? इनफैक्ट मैं इसे और ब्यूटीफाई कर दूंगी, और मेरा तिलक है, मुझे डिसाइड करने दो। हाँ, पर ड्रेस तो मम्मा की है ना, या तो फिर इसे ऐसे ही पहन, या आई एम श्योर तेरे पास बहुत ऑप्शंस भी होंगे। सर आप देख लीजिए, सब बराबर परफेक्ट। अच्छा, जिसके लिए लेके जा रहा हूँ फिट नहीं हुआ तो? सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बस एक फोन कर देना, हम करवा देंगे। थैंक यू सर, मैं बिल लाता हूँ अभी। कल मेरा तिलक है और मुझे ये ड्रेस ऑल्टर करानी है। उनके सारे कपड़ों में से ये अक्षरा की फेवरेट है, समझाने का भी कोई फायदा नहीं, समझने की समझ है कहाँ इसमें। ठीक है, मैं आपको लेटेस्ट डिजाइन दिखाती हूँ, हम इस ड्रेस को उन डिजाइन के अकॉर्डिंग ऑल्टर कर सकते हैं। श्योर, ओके, कम आइए। मेरी ड्रेस कहाँ गई? मैम अभी तो यही थी। अभी तो यही थी मतलब? ऐसे कैसे आपके शॉप से कोई मेरी ड्रेस उठा के लेके जा सकता है? What kind of security this place has? I'm sorry ma'am, मैं आपको latest design 60% discount में दे दूंगी। But this is not done, huh? I understand ma'am, मैं आपको latest design दिखाती हूँ। ठीक है, दिखाइए अब आप। Please आइए ma'am। ड्रेस तो मैं ले लूंगी, पर घर पे क्या बोलूंगी? ये क्या है, ये किसने दिया है? जी मैम, ये अभिमन्यु सर देकर गए आपके लिए। हमारा रिश्ता भले ही फीका पड़ गया हो, लेकिन तुम्हारा रिश्ता नायरा माँ से कितना गाढ़ा, कितना गहरा है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सिर्फ ड्रेस नहीं, रिश्ता है। और कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। अपने रिश्ते को संभाल के रखो। तुम चीजों को सिंपल क्यों नहीं रख सकते अभिमन्यु? तुमने नील और आरोही की शादी को सपोर्ट किया, मुझे तुम पर गुस्सा आया, बात खत्म, सिंपल, क्लीन है, क्लियर है। पर तुम ऐसी चीजें कर देते हो। मेरी माँ के ड्रेस को खराब होने से तुमने बचाया, अब मैं क्या करूं तुम्हारा भी?
क्या करूं? आरू, तू तो नायरा की ड्रेस। चल कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तूने अक्षु की बात मान ली। आई नो, वो मैंने सोचा कि मैं नायरा माँ की ड्रेस ऑल्टर करके खराब क्यों करूँ, इसलिए मैंने उसे संभाल के रख दिया है और मैं ये ले आई। बहुत सुंदर ड्रेस है सच में, है ना माँ जी? किसका फोन है? फोन वो माँ जी, आई एम श्योर नील का फोन होगा, देखे तो कितना शर्मा रही है। नहीं। अरे आरू, आराम से आराम से। अरे ऐसे बिना देखे कहाँ जा रही है, अभी टकरा के गिर जाती तो। सॉरी। देखा अक्षु, नील का नाम सुनते ही आरू कैसे तितली की तरह उड़ गई। अब ये प्यार नहीं है तो और क्या है? हेलो अतुल, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे कहने पर शादी की पेपर्स रेडी किए हैं। ऑब्वियसली आरोही, स्कूल के फ्रेंड्स हैं यार हम, तुम्हारे लिए इतना करना तो बनता है। तुम एक और हेल्प कर देना प्लीज, ये बात बस हमारे बीच रहनी चाहिए। मैंने शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है जिसमें मेरे हिसाब से क्लॉजेस डाले हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वो सब ठीक है आरोही, बट एक बात याद रखना, शादी से पहले तुम्हें इन पेपर्स पे नील के सिग्नेचर चाहिए होंगे, तभी ये पेपर्स तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं। मैं शादी के दिन नील से किसी तरह साइन करवा लूंगी और आई एम श्योर शादी की डेट भी जल्दी फिक्स हो जाएगी। तुम बस पेपर्स जल्दी से जल्दी भिजवा दो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस सब के तुम टेंशन मत लो, वो सब सॉर्टेड है। पेपर्स मिल जाए तो पूरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय। कौन सी पेपर्स के बारे में बात कर रही है जो वो इतने अर्जेंटली बना रही है? इसके दिमाग में क्या प्लान पक रहा है?